हे व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड फिट एंड फाइन। सो फाइनली मैंने एक 18 इंच का डिजिटेक का रिंग लाइट लिया है और एक बोया का M1 माइक लिया है। और मैंने कहां से लिया है, कितने में लिया है और कितने ज़्यादा डिस्काउंट्स मिले मेरे को, सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा और ये दोनों का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये है स्टैंड, ये आप देख सकते हैं, ये स्टैंड और इसकी हाइट 9 फीट तक है, मतलब 9 फीट ऊपर तक हम इसे कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इतनी हाइट रखूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और गाइस, ये है अपना डिजिटेक का रिंग लाइट और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ जो ये देख रहे हैं आप, ये है पावर, यहाँ से पावर देना है, ये ऑन ऑफ बटन, और ये रहा DRL18H, यहाँ पर डिजिटेक का ब्रांडिंग किया हुआ है। और ये दो जगह जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप बैटरी से भी इसे चला सकते हैं, ये दो जगह से, और ये है पावर ऑप्शन, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं आपको किस तरह का लाइट चाहिए, लो चाहिए, हाई चाहिए, येलो चाहिए और वाइट चाहिए, जो आपको चाहिए यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए इसे सेट करते हैं। इसे इस तरह से सेट किया जाता है, मैं नीचे की तरफ कर दे रहा हूँ। ये जो जगह दिख रहे हैं आप, इसे मैं इसके साथ अटैच करना है और फिर इसे इस तरह से टाइट कर देना है। तो गाइस, अब इसके अंदर हमें मिला है ये एक पावर केबल, और मिला है ये एक मोबाइल होल्डर, इससे आप अपनी मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं इस जगह पे, और ये इसको अटैच करने के लिए है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो है इस जगह पे आपको अपना मोबाइल इसको ऐसे अटैच कर देना है। अब मैं इसको इसके साथ अटैच कर देता हूँ और इसको हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये लूज करके थोड़ा सा ढीला कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं, उसके बाद इसको इस तरह से टाइट कर देंगे नीचे पे, नीचे की यहाँ पर इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। सो फाइनली हमारा काम हो गया है। सो ये रहा रिंग लाइट, अब इसके पीछे में मैं दिखा दूँ आपको, ये है इस तरह का। अभी फिलहाल अगर आपको इसे इस जगह करना है तो इसे भी आप टाइट कर सकते हैं इस तरह से। यहां पर आप अपने फोन को इस जगह पे आप अपने फोन को इस तरह से लगा सकते हैं और वीडियोस बना सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको पावर केबल अटैच कर देता हूँ इसमें। तो इसमें इस जगह पे AC 100 जो दिख रहा है, यहाँ पर 100 to 240 volt का है, यहाँ अटैच करना है और ये पावर केबल। सो मैं इसे कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर आपको, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये पूरा व्हाइट है अभी और ये पूरा येलो है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और आप समझ पा रहे हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोई काम करना चाहते हैं तो इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो इससे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लो लाइट पे आई होप कि इसका कुछ रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, लो लाइट के फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं तो आप इससे कर सकते हैं और मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट अमेजन से नहीं, एक न्यू मार्केट के एक स्टोर से परचेस किया है, जहां पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिला है, लगभग 2000 का डिस्काउंट मिला है। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे मैंने इसके प्राइस देखा था 5500 है और वहां से मैंने जब इसे परचेस किया तो ये मेरे को पड़ा ओनली 3600 का। तो आप समझ पा रहे हैं कितना ज़्यादा डिस्काउंट है। तो अगर आपको 2000 का नुकसान नहीं करना है तो आप जा सकते हो, स्टोर का नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
सो गाइस, इसके अलावा भी मैंने एक और एक चीज वहां से परचेस की है, जो है बोया का M1 माइक। ये माइक मैंने वहां से परचेस की है, इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पे मेरे को दिखा रहा था 1000 रुपीज, बट मैंने वहां से इसे परचेस किया 850 रुपीज में। एक्चुअली मेरा जो पुराना माइक था, ये वाला, ये माइक वर्क नहीं कर रहा था ठीक से, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस तरह से वायर आगे पीछे जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम की वजह से मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं ये एक माइक है जिसका लेंथ है, इस वायर का लेंथ है 6 मीटर, और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर एक डाउन पे आपको मिलता है स्मार्टफोन और फोन के लिए, और अप पे मिलता है कैमरा के लिए, 2 ऑप्शन है। और जब आप कैमरा के लिए इसे यूज करेंगे तो हमेशा याद रखें कि इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर आपको एक बैटरी दी जाती है, एक एक्सटर्नल बैटरी दी जाती है, जिस बैटरी को यहां पर आपको इनपुट करना है। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बैटरी आपको दी गई है, मेरे को भी दी गई है, तो इस बैटरी को यहां पर इनपुट करना है, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से लगा देना है, और उसके बाद कैमरा में अगर आप यूज करेंगे तो कैमरा को इसको ऑप्शन को अप करना है और डाउन करना है। अभी तो मैं फिलहाल स्मार्टफोन के लिए यूज करूंगा, तो मैं स्मार्टफोन को अटैच करके दिखाता हूं इसका वॉइस क्लियरिटी कैसा है और इसका एक्सपीरियंस कैसा है। बट एक चीज मुझे अलग लगी, क्योंकि अगर आप आउटडोर शूट करने जा रहे हैं तो दैट टाइम ये कैरी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फाइनली गाइज, मैंने इस बोया माइक को भी अटैच कर दिया है, और अभी शायद थोड़ा अलग टाइप का आवाज आ रहा होगा, थोड़ा वॉइस पे तो क्लियरिटी होगा, और अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं घर पे शूट कर रहा हूं। अगर आप आउटडोर शूट करेंगे तब इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा, और मेरे हिसाब से तो मैं प्रीवियस जो माइक यूज करता था, जो सस्ता वाला था, 100-150 का था, तो उससे बेहतर ही इसका वॉइस क्लियरिटी है, और जब मैं आउटडोर शूट करूंगा तो आपको पता चलेगा ही। तो गाइस, मेरी तरफ से तो ये रिंग लाइट और बोया की माइक बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को भी ये लाइट चाहिए तो उसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव था कि अगर आप लोगों में से कोई बिगनर यूट्यूबर है, अगर उसे इस तरह का लाइट का जरूरत है और माइक की जरूरत है, तो उसे बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो से क्या क्या सीख मिली और कितना बेनिफिट रहा ये वीडियो आपके लिए। और आप लोगों में से 89% बंदे, सॉरी कौन कौन है पता नहीं, बंदे है कि बंदी है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जुड़े रहो।